الرحمن الرحیم 3 مارچ 2018 ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ ایک آدمی کی رسول اللہ نے ایک آدمی کی بیماری خبر سنی اس پاس گئے اس کو دیکھنے کے لیے تو آپ نے دیکھنے کے بعد ایک سینٹینس بولے آپ وہ تھا لا باس طہور انشاءاللہ یعنی بیماری جو ہے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں پاکیزگی ہے پیوریفیکیشن ہے تو میں بہت دنوں سے سوچتا تھا کہ بیماری میں پاکیزگی کا آسپیکٹ کیا ہے بیماری کا مطلب صرف بیماری نہ لیجیے پرابلم مسائل جسے قرآن میں آتا ہے نا نقصان وغیرہ بشیم بل تو دیکھیے یہ جو پرابلم ہے یا مسائل ہے اس کو فرمایا کہ اس میں پاکیزگی ہے پیوریفیکیشن تو آج ہی میری سمجھ میں آیا کہ آپ نے جو کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں تمہارے لیے ڈسکوری کا سامان ہے ڈسکوری کا سامان ہے معرفت کا سامان وہ کیسے اکثر لوگ سوچتے ہیں پوچھتے ہیں یا بولتے ہیں لکھتے ہیں کہ خدا کو ہم کیسے مانیں خدا کو ہم نے دیکھا نہیں کیسے مانیں میں سمجھتا ہوں ہر آدمی خدا کو دیکھتا ہے وہ کیسے وہ ہے مصیبت بیماری یا مصیبت یا کوئی پرابلم تو میں نے اس کو اس طریقے سے سمجھا کہ یہاں میں نے اپلائی کیا ایک فارمولا یعنی ویل نون فارمولا کہ ان کمپیریزن دیٹ یو انڈرسٹینڈ تعارف الاشیاء بعدادہ تو میں نے بار بار یہ اس کو سوچا کہ وائی دیر از ڈفرنس بٹوین مائی سیلف اینڈ دی ریسٹ آف دا یونیورس دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے اور یہ سائنٹیفک ڈسکوری ہے کہ یہ جو کائنات ہے ہمارے سوا جو دنیا ہے وہ ایک زیرو ڈیفیکٹ یونیورس ہے زیرو ڈیفیکٹ یونیورس ہر پتی ہر درخت ہر ذرہ ہر پہاڑ ہر سمندر زیرو ڈیفیکٹ آئٹم ہے یونیورس کا یہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کوئی ڈیفیکٹ نکالا جائے یونیورس میں آج تک نکالنے سے لیکن انسان میں سب ڈیفیکٹ ہی ڈیفیکٹ ہے جب یہ کھانسی آنے لگی جبکہ ابھی مجھے بول رہا تھا تو یہ جو ڈیفیکٹ ہے یہ بتاتا ہے کہ میری لمیٹیشنس ہیں تو سوال یہ کہ اگر میری لمیٹیشنس ہیں تو میرے سوال دنیا ایک ہے ایک یونیورس
उसमें डिफेक्ट क्यों नहीं, वो जीरो डिफेक्ट क्यों है वो? जैसे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक किताब थी, मैंने किसी को दे दी शायद, तो उसका नाम था द वर्ल्ड वी लिव इन, ब्रिटेन में छपी थी वो, उसका नाम था द वर्ल्ड वी लिव इन। तो उसमें एक फोटो था, मुझे नहीं मानी को फोटो इमेजनरी था कि वाकई था, शायद इमेजनरी हो। तो उसमें दिखाया था कि एक पूरी गैलेक्सी, आप जानते हैं गैलेक्सी में मिलियन बिलियन स्टार्स होते हैं और सब चल हरकत करते। तो उस फोटो में दिखाया गया था, आप चाहें तो इंटरनेट पर ये किताब मिल जाएगी द वर्ल्ड वी लिव इन में, उसको फोटो भी देख सकते हैं आप। तो एक गैलेक्सी घूमती हुई आती है एक दूसरे गैलेक्सी के पास, उसमें से निकल जाती है। बहुत ही ये बिल्कुल अनोखा वाक्य है कि बिलियन बिलियन स्टार है, सब रिवॉल्व कर रहे हैं और लोग घूमते हुए कहां से आती है, दूसरे गैलेक्सी वो दाखिल होती है और बगैर टकराए हुए निकल जाती बाहर, इधर वो उधर। ऐसा इंसान ऐसा बना सकता है? एक बिलियन कारें दौड़ रही हो और दूसरी बिलियन कारों के दरमियान दाखिल हो और बगैर टकरा के इधर से वो निकल जाओ उधर से निकल जाओ, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो ये एक सादा सा एग्जांपल है। इस दुनिया में यानी अनगिनत काउंटलेस चीजें हैं और सब का सब बिल्कुल जीरो डिफेक्ट। जापान ने और अमेरिका ने भी निकाला था, कोशिश की थी जीरो डिफेक्ट इंडस्ट्री, जीरो डिफेक्ट इंडस्ट्री मानी चला था, जीरो डिफेक्ट इंडस्ट्री अभी तक सिर्फ एक आइडिया है। जबकि जीरो डिफेक्ट इंडस्ट्री का अनाज चल रही, चल रही है। आप गौर कीजिए कि दरख्तों में जो फैक्ट्री है, जो कहते हैं फोटोसिंथेसिस, तो वो रात दिन चलती है और वो हमें सप्लाई कर रही है वो ऑक्सीजन। अब गौर कीजिए ऑक्सीजन एक ऐसी चीज जो कंटिन्यूस सप्लाई जरूरी है उसकी, अगर सिर्फ चंद मिनट न मिले तो आदमी तड़प तड़प को मर जाए, सिर्फ चंद मिनट, शायद तीन मिनट। तो इतना बड़ा निजाम कायम है, अब गौर कीजिए ऑक्सीजन की सप्लाई का, चला जा रहा है आदम जब तक पैदा हुए थे तब से आज तक। जमीन में गल्ला उगता है, उछला जा रहा है, उगा चला जा रहा है। जो प्रॉब्लम आता है वो इंसान की वजह आता है, नेचर की वजह नहीं। अभी जिन प्रॉब्लम को बताया जाता है इकोलॉजिकल प्रॉब्लम वगैरह, वो इंसान का माइंड मेड है, वो नेचर मेड नहीं है। तो क्या वजह है कि इंसान जीरो डिफेक्ट इंडस्ट्री नहीं बना सका? एक आने उसी वक्त एक जीरो डिफेक्ट इंडस्ट्री ऑलरेडी बनी थी।
तो ये जो फिनोमेना है जिसको हम सब जानते हैं, आज डिस्कवर हो चुका है साइंस के थ्रू, तो इसके माने ये कि बेस वक्त कोई और भी है, मेरे साथ कोई और भी है जो जीरो जीरो डिमोक इंडस्ट्री पर उसको इतनी बड़ी उसकी कुदरत है कि वो जीरो डिमोक इंडस्ट्री इतने बड़े कंपनी से कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि ये वाकया इस बात का सबूत है कि जहाँ एक गॉड है, एक खुदा है, क्योंकि आदमी देखिए एक एक्सप्रेशन से क्यों नहीं मिले, आदमी का मामला ऐसा है कि वो बगैर एक्सप्रेशन के रह नहीं सकता, क्योंकि बाय नेचर माइंड इज द एक्सप्रेशन से क्यों नहीं मिले। तो ये पहला सवाल आता है कि क्या वजह है कि मैं तो जीरो डिफेक्ट इंडस्ट्री पर मुझे वो नहीं है, काबू नहीं है, और आए उसी वक्त एक जीरो डिफेक्ट इंडस्ट्री खुली हुई है। इस चीज का सबूत है कि मेरे सिवा कोई और है, कोई और हस्ती है। मेरे सिवा कोई और हस्ती यहां पर है जो खलाक है, जो रज़ाक है, जो अल्लाम है, जो जीरो डिफेक्ट इंडस्ट्री पर जिसको हासिल है कुदरत। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग खुदा को नहीं मानते वो उनके बारे में कुरान में सही तौर पर यह है कि सुम बुकमुन उमिन उम लाया करो, अंधे बहरे हैं, अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते।